मंजंग मनीयंत्रम यथादृता जीविगतम शरीरम विविस्फूति चैतापिकम च स्नुभृतातीतम तमाख्य विभेति मित्रो निततोस्तु मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नासि लाभः तथापि भालो भय काम विश्व तथा स्वयं तप्यतीतिवादी। बड़ी अच्छी बात कही है स्वयंभू में कि अजंग मंजंग मने यंत्रम, ये व्यक्ति का शरीर कैसा है, जड़ है, लेकिन चलाया गया किससे, चेतन के द्वारा चला गया है। और विभुस पूति छय ताप कम च, ये मत सोचना बुढ़ापा किसी एक दिन आता है, निरंतर हमारा पतन की तरफ ही परिवर्तन होता है। क्योंकि हम सोचते हैं बचपन में हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़े होना तो सिर्फ बड़ा कोई हो सकता है, तो वो तब त्याग से हो सकता है, वो संयम से हो सकता है, जिसकी गुणों की वृद्धि हुई वही बड़ा हो सकता है दुनिया में। बाकी तो संसार में रोज आदमी क्षय को प्राप्त हो रहा है। एक दिन लोग सोचते हैं मौत एक दिन आ जाती है, सच पूछो जन्म का क्रमिक विकास है मौत, जो एक दिन हमें पड़ाव पर ले जाकर पहुंचा देती है। इसलिए कहा विविस्पूति चैतापकम च, ये तो गिलानी युक्त है। आप पढ़ते भी हैं, तू नित पोके ऐसुके त्यों धोवे त्यों मोली, और निस्दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। क्योंकि ये बनती भी गलत पदार्थों से है। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, किस चीज से मिली है, माँ हाड़ मास तो है ही, लेकिन पदार्थ शुरुआत बीज भी हुआ है, बीज का रोपण भी मात पिता रज वीरज मिलकर इसी गिलानी युक्त पदार्थों से बनी है। क्योंकि कहा है कि ये शरीर कैसा है, भवंती प्राप्ति संग मसुचिन्नी सुचन्यपि साकाया संतापाया तदर्थ प्रार्थना व्रता। कह दिया ये पदार्थ गलित पदार्थों से बनी है और गलित पदार्थों पर ही टिकी रहती है। आप बताओ खून कम हो जाए, हड्डी कमजोर हो जाए, जो कुछ भी पदार्थ कम हो जाए तो तुरंत आदमी राम नाम सत्य हो जाएगा। उस सत्य को हम जिंदगी भर नहीं सुनाते, ये बेवफा है, यह दिल अभी मानता नहीं और कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। तो कह दिया इस शरीर को यदि श्रृंगार करना है, दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन्ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। क्योंकि जितने भी आप सो पीस में रखी हुई चीजें अच्छी लगती हैं, आदमी के शरीर का स्पर्श हो जाए और गंदी हो जाती हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि अपने अपने बहुत अच्छी एक लाइन पढ़ी थी हमने पार्श्वनाथ पूजन में, भौतिक पारस मणि तो केवल लोहे को स्वर्ण बनाती है, पर तुमको छू कर के स्वामी आत्मा कुंदन बन जाती है। कुंदन का मतलब क्या है, कुंदन का मतलब वो सोना नहीं जो तुम्हारे तिजोरियों में रखा है, वो सोने का भाव तो घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। वो सोना तुम्हारे साथ मौत के उस पार नहीं जाता है, लेकिन उस सोने की बात कही, जैसा सम्यक दृष्टि के लिए सोने की उपमा दी है, गेगी पे ग्रह में न रंगे जो जलते भिन्न कमल गए, और नगर नारी को प्यार यथा का दे में हेम अमल है। क्या उपमा दी है, इंसान की उपमा नहीं दी, इंसान की देह को भी कहा यदि तुम्हारे अंदर धर्म है तो तुम देह में रहते हुए भी कैसे हो जाओगे, संसार में परिवार में रहते हुए तुम्हारी परिणति कैसी हो जाएगी। जैसे कि कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से निर्लिप्त रहता है, इसी प्रकार से सोने को बरसों रख दो पानी में कीचड़ में कादे में, लेकिन सोना जंग नहीं लगती है। परमात्मा इसी प्रकार से जो तुम्हारे को जो तुम्हारा नाम हृदय में धारण करता है, वह भले बरसों तक संसार में, बरसों क्या अनंत काल तक संसार में रहा हो,
लेकिन उस पर कसाईयों की जंग नहीं लगती है, उसे पाप छू भी नहीं पाते। तो कहा है आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा के और ईट इसमें हड्डियां, और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूरजहां। लेकिन आदमी को कितना मोह है इस शरीर से, इस परिवार से, इस नाम से। नाम कोई लेकर आए थे क्या आप? नाम यहीं पर मिला था, कोई चाचा, ताऊ, बुआ, मौसी, महाराज जी, माता जी, किसी ने तुम्हें नाम दिया होगा। वो तो काम चलाऊ था, काम कैसे चलाओगे? नाम नहीं होगा तो तुम्हें कौन किस नाम से बुलाएगा? इसलिए नाम तो काम चलाऊ था, उस काम चलाऊ को तुमने इतना मान लिया कि तुम्हारे नाम से कोई गाली दे तो तुम क्रोधित हो जाते। बोले हमें ही गाली दी, कोई कहे हमने आपको नहीं दी। बोले कैसे नहीं, तुमने मेरा नाम नहीं लिया? अरे नाम लेना है, नाम की पहचान बनाना है, तो ऐसी पहचान बनाओ नाम ही उचारत सुख लगे, दर्शन सोग जाए, पूजत पावे देव पद, ऐसे हैं जिन राय। क्या कहा है कि नाम यदि सगे अंजना चंदी, ना दुख जेते गए भाग सारे, जरा नाम लेते भगवान। तुम्हारा नाम मिले ले, भक्तांबर में भी कहा है कि भगवान आस्था पूर्वक तुम्हारा नाम, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। वो तो स्वयं परमात्मा हो जाता है, लेकिन मुख से भी तुम्हारा जो नाम उच्चारण कर ले, तुम संग कथा पी जगताम दुरितान गंती, कह दिया जो आपकी कथा भी कर ले, उसका मन भी नहीं हो शुद्ध, उसकी काया भी नहीं हो शुद्ध, तो भी वाणी का पुण्य से पवित्र कर देता है, जन्म जन्म की बाधाओं को हर देता है। एक अंजन, आप समझ गए, एक चोर यदि परमात्मा का नाम ले लेता है तो निरंजन बन जाता है, बेड़ियां कट जाती हैं, और वो बेड़ियां तो शिक्षों की थी, यहां तो परमात्मा तुम्हारा नाम ले ले, उसकी संसार की बेड़ियां भी कट जाती हैं। संसार की बेड़ियां काटने के लिए कोई ज्यादा काम नहीं है, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, किस्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। क्योंकि आप सिर्फ अपना सोच बदले, अभी हमारी कितनी भी तुम पूजा कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन क्या है, अभी तो हमारी इच्छाएं, आज कभी सामायिक में सिर्फ ये तौल कर देखना कि हम परमात्मा को चाहते हैं या पदार्थों को चाहते हैं। एक व्यक्ति आया और बोले माता जी सब तो मोक्ष चाहते हैं, मेरे भगवान देता क्यों नहीं? मैंने कही एक लिस्ट बनाओ और सबसे पूछ कर आओ कि कौन क्या चाहता है, बताना मत। गया, किसी ने कहा बेटे की शादी हो जाए, किसी ने कहा दुकान अच्छी चल जाए, किसी ने कहा एक कोठी बन जाए, किसी ने कहा गाड़ी लेना है गाड़ी ले लो, किसी ने कहा लोन पास हो जाए, किसी ने कुछ कहा, बहुत सारी लिस्ट थी, लेकिन परमात्मा बनने की किसी की इच्छा नहीं थी। अब सोचो परमात्मा तीन लोग के नाथ के सामने हम झूठ बोलते हैं, तो बहुत अच्छी बात कही है कि ये तो देह यहीं रह जाएगी, जिसका नाम था वो यहीं रह जाएगी, लेकिन आत्मा चली जाएगी। आत्मा बार बार वस्त्र बदलती है, हर पर्याय में वस्त्र बदलती है, और इसलिए वस्त्र भी क्या पुराना हो गया, गंदा हो गया, धूल धमास चढ़ गई है। एक दो दिन नहीं बदलो वस्त्र, बदलो नहीं, अच्छे वस्त्र न पहने तो गंदे हो जाते हैं, धो नहीं तो गंदे हो जाते हैं। इस शरीर के वस्त्रों को कब धोगे? शरीर के वस्त्रों को तो रोज धोते हो, लेकिन शरीर के साथ आत्मा को सुंदर वस्त्र देना है। क्योंकि कहा है, बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान हर आदमी विभीति मित्तो ने ततोस्त मोक्षो, हर आदमी मोक्ष चाहता है और मौत से डरता है, लेकिन मौत से फिर भी भागता है, मौत पकड़ ही लेती है।
मौत पकड़ लेती है और मोक्ष चाहता है, फिर मिलता क्यों नहीं है? तो कह दिया कि वास्तव में इसके भय से मौत नहीं भागती है, मौत तो जागने से भागती है, परमात्मा की आराधना और उपासना। कहा है, बड़ी अच्छी बात कही कि भय तो करता है लेकिन पुरुषार्थ नहीं करता है। तुम्हें पावन पुरुषार्थ प्रकट हो गए, भगवान हमें पुरुषार्थ करना है, एक नहीं जो शरीर से राग करता है। आपने देखा कीचक हो, कमट हो, जितने भी पूर्व जन्म में आप सबने पढ़ा होगा कि एक एक शरीर के राग से संसार का क्या वृद्धि हो जाती है, और त्याग से चाहे चंदन वाला हो, अनंतमती हो, कोई हो, शरीर के राग नहीं किया, कोई आकांक्षाएं नहीं की। सीता जी को रामचंद्र जी ने कितनी बार, तीन बार निकलवा दिया, लेकिन अंत में अग्नि परीक्षा के बाद वो क्या कहने लगे थे कि अब मैं तुझे पटरानी बनाऊंगा, लेकिन वो कहती अब कोई इच्छा नहीं है, अब इस संसार के स्वरूप को समझ लिया है, अब पटरानी तो क्या तुम कुछ भी बनाओ, तुमने मुझे निर्दोष को छोड़ी थी, मैंने संसार को ही दोष स्वरूप समझ लिया है। ध्यान रखना, जो शरीर के वास्तविक शरीर को समझ लेता है, सनत कुमार चक्रवर्ती के बारे में आता है, सनत कुमार मुनिराज के बारे में आता है कि कोढ़ हो गया, गलित कोढ़ हो गया, लेकिन वैद्य वन के देव आता है, कहता है ठीक कर दूंगा, गारंटी से ठीक कर दूंगा। वो कहते हैं शरीर के रोग तो अनादिकाल से ठीक होते हैं और बढ़ जाते हैं, उस रोग का इलाज हो तो बताओ, जन्म जरा मृत्यु का रोग निवारण करना है, आत्मा का उपचार कर सकते हो तो बात करो। वो नतमस्तक हो जाता है कि धन्य मुनिराज आपकी देह है, वो तो आप ही परमात्म स्वरूप को आपने प्रकट किया है, इसलिए बड़ी अच्छी बात कही है। रूपम ते निरुपाधि सुंदर मिदम पसन सहस्त्रे क्षणा प्रेक्षा कौतुक कार्य कोत्र भगवान नोपेत वस्तांतरम।